दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद सिराज और विराट कोहली को अच्छा खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, गुजरात के खिलाफ मैच जिताकर मैन ऑफ द मैच बने मोहम्मद सिराज, लेकिन अवार्ड लेने से ही कर दिया इनकार। विराट कोहली के पास जाकर मुस्लिम होने के बावजूद भी लिया उनका आशीर्वाद और गले लगा अपना अवार्ड देकर जो कहा वो सुनने के बाद पूरा भारत देश कर रहा है सलाम। तो दोस्तों, आखिर अब जाकर आईपीएल में मोहम्मद सिराज ने अपनी चमत्कारी गेंदबाजी से विकेट लेकर गुजरात की टीम के परखच्चे उड़ाए, लेकिन अपना अवार्ड उन्होंने मैन ऑफ द मैच का विराट कोहली को देने के बाद जो कहा है ना, सुनने के बाद आप भी खड़े होकर सलाम ठोकने पर मजबूर हो जाओगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज और विराट कोहली में से कौन अच्छा खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आखिरकार जिस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार पूरा भारत देश कर रहा था, वह मुकाबला चिन्ना स्वामी के स्टेडियम पर बेंगलोर और गुजरात के बीच खेला गया, जहां इस मैच में बेंगलोर की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना और पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने शाहरुख खान के 37, राहुल तेवतिया के 35 और डेविड मिलर के 30 रन की बदौलत 147 रन बनाए। इस दौरान आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद सिराज के नाम रहे, जहां उन्होंने गुजरात की टीम को बैकफुट पर ढकेलने का काम किया। हालांकि गुजरात की टीम लगभग 40 रन बैक रह गई, क्योंकि अगर यहां 180 के पार स्कोर पहुंचता तो आरसीबी की टीम को खुलेआम चुनौती गुजरात दे सकती थी। लेकिन यहां पर किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि गुजरात की गेंदबाजी इस मुकाबले में इस कदर विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस के आगे फ्लॉप साबित होगी कि यहां पर पहले ही 5 ओवर में 92 रन का स्कोर बन चुका था। यहां पर स्कोर लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा था और फाफ डुप्लेसिस ने तो 22 गेंदों में 64 रन की पारी भी खेल ली थी, लेकिन जोशुआ लिटिल ने उनको आउट कर देने के बाद एक के बाद एक 4 विकेट चटका डाले। और फिर विराट कोहली जब 42 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन दोस्तों तब तक मैच पूरी तरह से आरसीबी की पकड़ में था और दिनेश कार्तिक ने अंत में मुकाबले में आरसीबी की टीम को 4 विकेट से जीत दिलाई। और इस मैच में मिली जीत बस मोहम्मद सिराज की देन है, क्योंकि दोस्तों मोहम्मद सिराज अब फॉर्म में आ चुके हैं और उन्होंने अपने दम पर यह मुकाबला जिताया तो उनको मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद सिराज ने यह अवार्ड लेने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि मोहम्मद सिराज को पता है कि वो इस पूरे ही आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और अब जाकर उन्होंने अपने दम पर मैच जिताया है आरसीबी की टीम को, वो भी तब जब आरसीबी लगभग प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। मोहम्मद सिराज काफी निराश नजर आए, लेकिन जब उन्होंने अवार्ड लिया तो यहाँ पर उन्होंने सीधा ही अवार्ड ले जाकर विराट कोहली के हाथों में थमा दिया। और फिर मोहम्मद सिराज कहते हैं, मुझे भले ही मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जा रहा है, लेकिन इस मैच में असली मैन ऑफ द मैच के हकदार तो हमारे विराट कोहली भैया हैं, क्योंकि उन्होंने अगर अपनी कप्तानी से फाफ डुप्लेसिस को ना समझाया होता कि गुजरात की टीम को कहां रोकना है, कब किस गेंदबाज और बल्लेबाज का उपयोग करना है, तब शायद हम ये मुकाबला जीत भी नहीं पाते। मैंने बस अपना माइंड क्लियर रखा और कोहली भैया की बात मानी कि आखिर मुझे कैसे विकेट मिलेंगे, क्योंकि मैं इस पूरे ही आईपीएल में अपनी तरफ से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया और अब भला अंत में आकर मैच जीतने का क्या फायदा जब आपकी टीम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और आप खेले नहीं। बस विराट कोहली सर ने ही उस वक्त तब सबसे अच्छी बल्लेबाजी की थी और मुझे पछतावा हो रहा है कि आखिर मैंने शुरुआत में उनकी बात क्यों नहीं मानी। लेकिन खैर, ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मैं खुद तो ले नहीं सकता, लेकिन कोहली भैया को जरूर देना चाहूंगा। और दोस्तों, कोहली को अवार्ड देकर लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल मोहम्मद सिराज ने जीत लिया। बाकी अब आप सभी की क्या राय है, मोहम्मद सिराज ने जो किया वो सही या फिर गलत, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।